सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई कैसे आप इनशॉट वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर ट्रेंडिंग ग्लोइंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सीधा आ चुका हूँ अपनी फोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यहाँ से हम इनशॉट वीडियो एडिटिंग ऐप को ओपन कर लेते। सो ये मैंने इनशॉट वीडियो एडिटिंग ऐप ओपन कर लिया। उसके बाद आप यहां से वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहां से न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां से अपना जो एक पिक्चर ऐड कर लेंगे, सो ब्लैक बैकग्राउंड। सो ये मैंने ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पर नीचे ये जो आइकन मिलता है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। सो उसके बाद आप इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको आप बड़ा कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट, सिंपली टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चाहो तो पहले म्यूजिक ऐड कर सकते हो या बाद में भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर हम पहले म्यूजिक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से माय म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो म्यूजिक है उसका नाम आप यहाँ पर सर्च करेंगे, देन आपका म्यूजिक यहाँ पर आ जाएगा। सो आप म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे, यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका म्यूजिक आ जाएगा। उसके बाद सिंपली कर देना है डन। सो अभी आपको आ जाना है टेक्स्ट पर और टेक्स्ट पर आने के बाद आप यहाँ पर अपना सॉन्ग का जो भी लिरिक्स है उसको लिख लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप लिखेंगे अपनी सॉन्ग का लिरिक्स, सो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। सो ये मैंने अपने सॉन्ग का लिरिक्स लिख लिया। उसके बाद आपको आ जाना फॉन्ट पर। सो फॉन्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉन्ट मिलेगा जो कि ये रहा, आप देख सकते हो। इस फॉन्ट का नाम है एलिरॉन। सो कुछ ऐसा नाम है आप देख सकते हो, या एलिरॉन। तो आप इस फॉन्ट को अप्लाई कर लेंगे अपनी टेक्स्ट पर। सो उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर, कलर पर आना है और यहाँ से आप सबसे पहले टेक्स्ट का कलर आप व्हाइट चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना बॉर्डर पर और बॉर्डर का जो अमाउंट उसको आपको अराउंड रख लेना है 20 से लेकर 25%। सो इसको मैंने ऑलरेडी कर लिया, आप देख सकते हो। सो आप इतना रख लेना, ये उससे आप कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से, या आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, लाइक 25% तक कर सकते हो। उसके बाद आपको आ जाना शेडो पर। तो यहाँ से इसका जो शेडो है आप रेड कलर का शेडो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ से इसका जो एक्स है, सो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा राइट साइड की तरफ लेके जाना है इसका अमाउंट, और इसको भी आपको थोड़ा राइट साइड की तरफ लेके जाना है। और जो ये जो आपको ओपासिटी दिखाई दे रहा है, ओपासिटी को आप पूरा फुल कर लेना। और उसके बाद आपको सीधा आ जाना यहाँ पर, ये जो मिलता है इसके ऊपर। सबसे पहले आप इसका साइज इतना बड़ा करेंगे। उसके बाद आप इसका जो टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस आप इतना रख लेंगे अराउंड, एंड उसके बाद आपको आ जाना एनिमेशन पर। सो एनिमेशन पर आने के बाद आपके ऊपर काफ़ी सारा एनिमेशन मिलता है। आप यहाँ से सबसे पहले इन एनिमेशन अप्लाई करेंगे। सो आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई कर लेना। सो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कौन सा अप्लाई करूँ। सो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आउट एनिमेशन पर आना है और अगेन इसको अप्लाई कर लेना है। सो ओके, और उसके बाद इसको सिंपली कर देना है डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन उसको ऐड कर लिया और प्ले करके आपको दिखाया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसका टाइम लाइन आपको छोटा कर लेना है, राउंड इतना कर लेना है, एंड इसको आप प्ले करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप इसे ड्रैग करके आगे लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो उसके बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको एडिट कर लेंगे। एडिट करके जो भी आपका सॉन्ग का जो सेकंड लाइन है उसको आप लिख लेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख लिया और इस फॉन्ट का साइज मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक है। सो उसके बाद अगेन एनिमेशन पर आना है और इसका जो एनिमेशन उसको आपको अगेन चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले आप इसको अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद आउट एनिमेशन पर आना है और अगेन आप इसको अप्लाई कर लेंगे। सो ठीक है, उसके बाद इसको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आप अगेन क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। सो इसको इस तरीके से कॉपी करेंगे और ड्रैग करके आप इसे आगे लेके आ जाएंगे। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट को भी एडिट कर लेंगे। उसका जो आपके सॉन्ग का थर्ड लाइन है उसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने सॉन्ग का जो थर्ड लाइन उसको लिख लिया। उसके बाद अगेन एनिमेशन पर आ जाना है और यहाँ से आप चाहो तो इसका भी एनिमेशन चेंज कर सकते हो। सो लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अप्लाई कर लेना। तो सबसे पहले आप यहाँ से इन एनिमेशन से एनिमेशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको आ जाना आउट एनिमेशन पर और अगेन आप इसको अप्लाई करेंगे एंड इसको सिंपली कर देंगे डन। अगेन आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। सो सिंपली आप जो है इस कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, इसे ड्रैग करके आप इस तरीके से आगे लेके आ जाएंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसे एडिट कर लेंगे। सो उसके बाद अगेन आप एनिमेशन पर आएंगे और यहाँ से आप जो है एनिमेशन चेंज कर लेंगे। सो अगेन तो सबसे पहले आपको इसको अप्लाई करना है, देन आउट एनिमेशन पर आना है और इसको आपको अप्लाई करना है एंड इसको सिंपली कर देना है डन। तो इसी तरीके से हम अपने सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाया है।
सो सॉन्ग का लिरिक्स लिखने के बाद अभी आपको यहाँ पर सिंपली कर देना है डन। ठीक है, सो मैंने जस्ट आपको डेमो दिखाई कि आप इसी स्टेप को फॉलो करके इस तरीके से आप अपने सॉन्ग पर ग्लोइंग लिरिक्स लिख लेंगे। और मैं आपको एक बार प्ले करके भी दिखाया था। सो कुछ इस तरीके से हमने अपना सॉन्ग का लिरिक्स लिख लिया, आप देख सकते हो। सो ग्लोइंग लिरिक्स आप काफ़ी इजीली लिख सकते हो। सो लिरिक्स लिखने के बाद यहाँ पर हमने सॉन्ग भी ऐड कर लिया, मैंने आपको दिखाई दिया सॉन्ग आप कहाँ से ऐड कर सकते हो यहाँ से। और अभी क्या करना है, हमें अपना जो वीडियोज़ को सेव करना है, तो इसके लिए सेव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी रेजोल्यूशन में सेव कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से 1080p चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आपके गैलरी पर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।